नमस्ते, मैं हूं विभा। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक ही होंगे। ये जो बाइक है रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650, इस बाइक का ऑन रोड प्राइस, एडवांटेज और फीचर्स के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तो ये है मेरे हस्बैंड, आज इनसे जानने की कोशिश करूँगी इस बाइक के बारे में। तो आइए इनसे पूछते हैं बाइक के बारे में। तो आप बताइए, ये बाइक आपने क्यों खरीदी है? ये बाइक मैंने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मुझे रॉयल एनफील्ड पहले से पसंद है। हम इस ब्रांड पे मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। ये जो रॉयल एनफील्ड ब्रांड है और इसका सर्विसिंग सेंटर, आप कहीं भी चले जाए सर्विसिंग सेंटर हर जगह अवेलेबल है। इस बाइक का थोड़ा एडवांटेज भी बता दीजिए। इसका जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 4 लाख के ऊपर है। तो आप अगर बता देंगे तो ऑडियंस को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। एक्चुअली रॉयल एनफील्ड ने जो प्राइस लिया है, ये आसाम में मेरा ऑन रोड प्राइस इसका 4,22,000 हो जाता है, लेकिन ये प्राइस जस्टिफाई करता है इस बाइक को। और रॉयल एनफील्ड जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं 4 लाख इस बाइक के लिए, 650 cc के लिए, वो मेरे हिसाब से मतलब ज़्यादा नहीं है। क्योंकि दूसरा ब्रांड अगर कोई होता हार्ले तो कहीं ज़्यादा इससे चार्ज करता। और इस बाइक का सबसे अच्छा जो है, इस बाइक का जो लुक है, ये जो डाउन जैसे ये लाइन जा रहा है, इसको मुझे मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और बैठने के बाद जो लुक है इस साइड से, जो बाइक का जो लुक जो दिखता है मतलब राइडर के साथ, वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये थोड़ा ऐसे बाहर निकला हुआ है, आप देखिए। तो इसको मतलब ये एक और भी मतलब सुंदर बनाता है, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग जैसा फील मतलब कराता है। मतलब एक मस्कुलर जो बाइक है वो मतलब दिख। इस बाइक का जो वेट है वो 240 kg है, मतलब विदाउट इसमें फ्यूल डाले। अगर फ्यूल आप डालोगे उसमें तो अप्रोक्सीमेटली 250 kg के आसपास हो जाएगा। ऐसा भी थोड़ा फील गुड होता है कि इतना हैवी बाइक हम चला रहे हैं। और मतलब जो पहले था ना रॉयल एनफील्ड का जो बुलेट जो हैवी हुआ करता था, आजकल तो थोड़ा पतला हो गया है, मतलब जो वेट है कम हो गया है। लेकिन ये चलाने में ऐसा लगता है कि वो वही पुराना वाला बुलेट हम चला रहे हैं, तो वो फील गुड फैक्टर इसमें है। तो मेरा खरीदने का सबसे बड़ा मतलब जो फैक्टर था यही था। लुक्स भी अच्छा है, मतलब एक ही पैकेज में आपको पूरा मिल जाता है, जो गुड लुक है वो मिलता है। अगर आप रास्ते पे जाए हर कोई मतलब रोक के पूछता है ये कौन सा बाइक है, कौन सा मॉडल है, हर कोई आपको पूछेगा। मतलब एक हेड टर्नर है, हर कोई घूम के देखता है इस बाइक को। मैंने हार्ली भी चलाया है, मेरा एक दोस्त है 883 cc, मैंने वो भी चला के देखा है। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आप हार्ली से उससे कम कुछ चला रहे, आपको ऐसा ही लगेगा कि उससे ज़्यादा ही कुछ चला रहे। वो 883 cc का हो सकता है, मतलब ये 650 cc का हो, लेकिन जो आपको फील देगा उससे कम नहीं देगा, उससे ज़्यादा ही देता है। मतलब उससे ज़्यादा हैवी जैसा ही लगता है। ये जो चौड़ाई है ना वो बहुत है, मतलब इंजन का बहुत हैवी आपको लगेगा ये वाला। अब बैठने के बाद मतलब आपको पता चलेगा, बहुत एक कूल लुक देता है ये वाला बाइक। और जो आपका जो पैसा है अबव 4 लाख, वो एवरी पेनी आपको वर्थ करेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा पैसा हमने इन्वेस्ट किया है ये बाइक के ऊपर। और ये बाइक का जो मैं बोलूँ, इसका जो स्पीड है वो मतलब आप इसको मतलब इतना स्लो आप नहीं चला सकते इसको। मतलब इसका टॉर्क इतना ज़्यादा है, मतलब आप दो आप मतलब एक नंबर दो नंबर पर आप मतलब बहुत स्पीड इसको चला सकते हैं। मैंने पहले भी मेरा एक बुलेट 500 हुआ करता था तो मैं उसको भी चला, लेकिन ये इसका फील थोड़ा अलग है। आप हाईवे पे उसको मतलब आराम से आप 100 के ऊपर आराम से आप इसके ऊपर बैठ के आप क्रूज कर सकते हैं। तो वही है। तो इसका अच्छा बात ये है कि इसका साइलेंसर दो दिया है, दो साइलेंसर है ये और तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो टाइम अभी आ रहा है 4:24, इसमें आपका मैप भी होता है। आप इस पर मतलब GPS लगा के मोबाइल से ऑनलाइन इसमें आपको रोड ट्रिप वगैरह में बहुत आसान हो जाता है, ये मैप इस पर निकल जाता है। अभी एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। और इसमें जो है ये आपका ये यहाँ पे एक स्विच है, ये यहाँ पे एक स्विच है वो बैक साइड में, ये आप ऐसे अगर दबाएंगे तो ये ट्रिप पे, हाँ ये आपका ये ट्रिप ए ट्रिप बी ऐसा ये चेंज कर सकते हैं आप। कल मैंने एक चीज़ किया, नोटिस किया, मैं ये ट्रिप ए पे चला के जा रहा था। मैं बहुत स्लो स्पीड चलाता हूँ आजकल, लेकिन अगर स्पीड आप मैंने थोड़ा स्पीड चला के देखा था तब ये आप ऑटोमेटिकली ए वाला इसमें चला गया था। मतलब वो खुद ब खुद अपना ट्रिप चेंज कर लेता है। बहुत ही कूल फीचर्स दिया हुआ है इस बाइक। इस बाइक का और एक फीचर है, ये जो ब्रेक देख रहे हैं आप, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने, जिसका हाथ मान लीजिए थोड़ा छोटा है तो उसको आप क्लोज आके भी ऐसे फिक्स करके रख सकते हैं ऑपरेट करने के लिए। और ये क्लच भी ऐसा है उस साइड का, ये दोनों आप आराम से अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं।
यहाँ कुछ नहीं लगाया, ये जो बैक रेस्ट है ये लगाने के बाद उसका लुक्स थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये मैंने नहीं लगाया, सिर्फ ये वाला लगाया लेग गार्ड सेफ्टी के लिए, और नीचे जो है साम गार्ड मैंने लगाया है इंजन के लिए सेफ्टी के लिए, बस उतना है, दोनों ही मैंने लगाया है। तो ये ओवरऑल बाइक अच्छा है, अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं, आप मतलब बाद में पछताएंगे नहीं, ये अच्छा बाइक है, आप ले सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।